एमपी विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रजापति के बेटे नई मुसीबत में फंस गए हैं। उनके दोनों बेटों के लिए इलाहाबाद बैंक ने नोटिस जारी किया है। नोटिस स्थानीय अखबारों में जारी किया गया है। नोटिस के मुताबिक नर्मदा प्रजापति के दोनों बेटों के ऊपर 42 लाख रुपए का कर्ज है, जिसको तत्काल जमा करने को कहा गया है। इलाहाबाद बैंक ने नर्मदा प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति को 21,54,578 रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी किया है, तो वहीं दूसरे बेटे प्रीति राज प्रजापति को 20,68,530 रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी किया है। अपने दोनों बेटों के लोन के लिए उनके पिता और विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रजापति खुद जमानतदार हैं। बैंक ने नोटिस मिलने के 60 दिन के भीतर पूरी रकम जमा करने को कहा है। अगर इस समय अवधि में रकम नहीं जमा हुए तो बैंक कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर सकती है। भोपाल से रविशपाल सिंह की रिपोर्ट।